Hello, let's read the given question the question says a sonometer wire carries a metal block at the other end when the block is in air the resonant length with the tuning fog is found to be 90 centimeter when the whole uh, when the block is wholly immersed in water the resonant length is uh, with same tuning fog decreases to 80 centimeter the relative density of the block is option 1 81 by 17 option 2 17 by 81 option 3 9 by 8

Using sonometer wire is given by 1 by 2L under root of T by mu, where T is the tension in the string, and here tension developed here due to the mass that is has been hung from the other end of the wire, right? And mu is the linear density, that is mass per unit length of the wire, right? And here instead of 1, we write uh, P, that is number of loops formed between the two clamps. So uh, these are the basic understanding of the sonometer. सो so, सोनोमीटर का अगर हम सेटअप देखने की कोशिश करें सो दिस इज द वुड एन ब्लॉक ओवर एक एंड से स्ट्रिंग uh, फिक्स होती है एंड दूसरे एंड थ्रू द पुली इट इज मूविंग डाउनवर्ड और यहाँ पे पैन टा हुआ होता है जिसके अंदर हम वेट ऐड करते हैं राइट ड्यू टू विच टेंशन इन द स्ट्रिंग गेट और दिंग पे दो क्लैम्प लगाते हैं हम एंड इन दोनों क्लैम्प के बीच में uh, जो है वायर जो है वाइब्रेट करता है एंड टू कैच द रेजोनेंस कंडीशन वी कीप पीस ऑफ पेपर ऑन टू इट जिसको हम राइडर कहते हैं राइट सो दिस आर दिस इज बेसिक सेटअप We are, uh, over here. और इसी के बीच में ऐसे लूप्स फॉर्म होते हैं कुछ इस तरीके से ऐसा जैसे हमने यहाँ पे दो लूप्स अभी शो किए सो so, यहाँ पे पी इज द नंबर ऑफ लूप बिटवीन द टू क्लैम्स राइट सो दिस इज द फॉर्मूला वी यूज फॉर दिस सोनोमीटर वायर ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर हम वाटर के अंदर डिप करते हैं लेट से हमने एक ऑब्जेक्ट को वॉटर में डिप कर दिया ठीक है सो वी नो के जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाटर में जाता है सो इट एक्सपीरियंस अ बॉय फोर्स विच इज uh, और उसे अपथ्रस्ट भी कहते हैं जो कि लिक्विड लगाता है ऑब्जेक्ट के ऊपर इन द अपड डायरेक्शन सो इस ऑब्जेक्ट का अगर हम एफ वी डी देखें सो so इसका वेट तो नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी एंड ऊपर एक फोर्स uh, लग रही होगी जिसे हम कहते हैं FB, so, जो हम, है, FB, right? so, uh, हम क्या लिख सकते हैं एम को क्या लिख सकते हैं मास ऑफ द बॉडी इसको हम लिख सकते हैं रो इन टू वॉल्यूम दैट इज

सो so बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जो एक्चुअल uh, uh, जो वेट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है व्हेन वी डिप द ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू बी क्लियर विथ अब uh, बात करते हैं और वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म रिलेटिव डेंसिटी सो रिलेटिव डेंसिटी होता है बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर बेसिकली या फिर स्टैंडर्ड सब्सटेंस लेते हैं हम तो बेसिकली यहां पे हम लेते हैं वाटर सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द रिलेटिव डेंसिटी और हमें यही क्वेश्चन में फाइंड करने बोला है। इसको हम स्पेसिफिक uh, ग्रेविटी भी बोलते हैं सो वी नीड टू बी केयरफुल अब इन द क्वेश्चन हमारे पास दो सिचुएशन बन रही है एक में तो लेंथ है रेजोनेटिंग uh, लेंथ वो 90 सेंटीमीटर है और एक में है एटी सेंटीमीटर ऑल्सो वी नीड टू बी केयरफुल के दोनों ही रेजोनेंस की कंडीशन में वी हैव गिवन यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम होगी उस ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस राइट सो क्योंकि हमें किया गया द ब्लॉक इज होली इमर्ज इन द रेजोनेंट लेंथ विद सेम ट्यूनिंग फॉग यानी कि जो ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी होती है जो हम यहाँ पर रखते हैं उसी के साथ ये वायर रेजोनेट करता है यानी कि दोनों ही केस में फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेंगी बस लेंथ चेंज हो रही है ड्यू टू दिस एडिशन ऑफ वाटर यहाँ पे हमने इसको वाटर में डिप कर दिया होगा यहाँ पे ऐसे इस तरीके से कुछ सो so, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं बिफोर वी हैव एडेड इन इन टू वाटर उससे भी पहले वॉट वी विल डू इज हम एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी और लेंथ का अगर हम सॉरी द टेंशन टेंशन को अगर हम स्ट्रिंग में देखें तो टेंशन स्ट्रिंग में कैसे आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे पैन में वेट रखा हुआ है दिस इज द स्ट्रिंग द स्ट्रिंग में टेंशन आ रहा है एंड दिस इज द वेट एम जी राइट सो एम जी विल बी इक्वल्स टू टी

टी अपॉन टी डैश राइट अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं टी मीनस एम जी एंड एम जी डैश लिखेंगे हम यहाँ पे क्योंकि अब ये चेंज होने वाला है मास तो सेम ही रहेगा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही चेंज होगी बेसिकली अंदर राइट सो दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड और बेसिकली यहाँ पे हम जी इफेक्टिव भी लिख सकते थे सो एनी वेज वी कैन से एल अपॉन एल डैश सो so, एल जो है हमारी पुरा, न्यू पुरानी लेंथ है एंड एल डैश इज द न्यू राइट सो वी हैव टू बी केयरफुल सो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको हम स्क्वायर कर देंगे बहुत साइड सो यहाँ पे बचेगा एम जी एम को हम क्या लिख सकते हैं रो वी जी रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी और द जो ब्लॉक हमें है वो वॉल्यूम है उसका वी एन जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब एम एम को अगेन हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एम कैन बी रिटर्न एज इन केस ऑफ दिस ये बोए फोर्स के लिए हमें लिखना होगा सो बो फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे इसको एम जी माइनस ऑफ एम जी डैश आएगा बेसिकली ये या फिर इसमें हम इस तरीके से इसको लिखें, टू अवॉइड कन्फ्यूजन ये वाली फोर्स हम लिखेंगे एम जी माइनस ऑफ बोए फोर्स सो हम यहाँ पे लिखेंगे बोय फोर्स क्या थी हमारी रो एल वी जी राइट right? और यहाँ से हम देखें तो एम को क्या लिख सकते हैं हम रोवी सो दिस इज हाउ वी कैन राइट अ कंडीशन हो गई है अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि रो वी को तो हम सॉरी uh, वी जी को कॉमन कौ, निकाल के कैंसल आउट कर सकते हैं तो हमारे पास जो टम बचेगा वो बचेगा रो अपॉन रो माइनस रो एल ठीक है अब इन दिस सिचुएशन वी कैन से एल हमारे पास था नाइन्टीन नाइन्टी बाई एट नाइन्टी सेंटीमीटर अपॉन एट्टी देट इज नाइन बाई एट यानी के एट्टी वन अपॉन सिक्सटी फोर चीज आ रही है हमारे पास राइट right? और इसी को अगर हम थोड़ा सा रेसिप्रोकेट कर दें तो so रेसिप्रोकल से क्या होगा सिक्सटी फोर अपॉन एटी वन विल इक्वल्स टू और ये रो को कॉमनली स्प्लिट कर देंगे हम तो आएगा वन अपॉन रो एल अपॉन रो राइट सो इन दिस सिचुएशन हमारे पास रो एल अपॉन रो की वैल्यू क्या आ जाएगी इट विल कम्स आउट टू बी वन माइनस ऑफ सिक्सटी फोर बाई एन यानी कि ये हो जाएगा सेवनटीन बाई एटी वन लेकिन हमें चाहिए रिलेटिव डेंसिटी तो हमें इसको फ्लिप करना होगा अगेन सो रो अपॉन रो एल यानी कि डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसको हमने रो माना है और रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने उसे वाटर में इमर्स किया तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन सेवेंटी सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन वन के साथ आई होप यू अंडल्यूशन ऑल द बेस्ट